अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती क्या, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट में पहले वाली से परेशान, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है, आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मदम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी इधर किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुबे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों का कुछ जमा किया हुआ है? पनौती ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जुदूला मंडप में बैठेगा, डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ, तेरा बाजू हटो तो। ओम श्री क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं, तेरे को मैंने तेरा देखा है। अभी तू चुप, मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, यहां से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट, पनौती भूतनी प्रेतनी छुड़ेलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा पुलिस वाला हूं, मसला मत, पुलिस वाला हट। पनौती जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा पुलिस वाला हूं, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना, मेरा बेटा है। तू यहाँ छुपा बैठा है? तू यहाँ छुपा? इसके सर पे भूत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है क्या बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? अरे शेरी, मैं तुझे जान से मार लूंगा। अरे आचार्य आत्मरंगी होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? तू है मान, ये तेरी भी जान लेगा बोलता है? नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी, जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी अग्नि नीचे, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारे मिर्ची को लग रही है। तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो, पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार तो सुना है। अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया, भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? भूम डालो सारों को। ये तो साक्षात यमराज आ गए, अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं मुझे माफ कर दो देवा, मैंने तो परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के चुंगल में फंसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो,
तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम ने ही करवाया था। रथ को तुम्हारे रिश्ते का पता चल गया था, उसने मंदिर में तुम्हारी बहन को प्रशांत कापरे के साथ देख लिया था। क्या सोच रही हो दीप्ति? सोच रही हूँ हमने शादी करके गलत किया। भैया बेचारे बहुत परेशान हैं, और जब से उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से और भी परेशान हो गए हैं। बस जल्दी से जल्दी फेरे लगवाने के लिए पैसों के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। रिश्ता जानकर जब वो घबराया हुआ परशुराम के पास पहुंचा तो अनर्थ हो गया। सेठ जी क्या हो गया? तो देवेंद्र ने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली है वही आदमी उसका होने वाला बहनोई है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है। ये ले पैसे, ले दारू पी और सो जा, जा। नहीं सेठ जी, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। मैं देवेंद्र को रोकने जा रहा हूँ। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं। देवा, ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। हे कमिश्नर, कह दे अपनी खाकी टोली से कि बंदूकें फेंक दे वरना बेवरात हो जाएगा, बेवरात। सब अपनी अपनी बंदूक के नीचे कर लो। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं गोली चला दूंगा। कम ऑन, मूव मूव, कम ऑन डैड, फॉलो। शाबाश बेटे, जल्दी कर, जल्दी कर बेटे। चला कि नहीं? हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। डैडी। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूं। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा, और उसका खात्मा मेरा मकसद। बंगले के चारों तरफ पोजीशन ले लो, हमला किसी भी पैमाने का हो सकता है। कोई भी संदेहजनक या सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, या बेशक उसे गोली मार दो। ओके? ओके सर। ये क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम हो रहा है। मेरी हिफाजत? देवा को अपने आखिरी गुनाह की मंजिल मिल चुकी है और वो मंजिल आप है। आपको कत्ल करने के इरादे से वो निकल चुका है। तो फिर मेरी कल की मीटिंग का क्या होगा? मेरे चाहने वालों ने इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है जो आने वाले इलेक्शन में मेरे लिए नहायत जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो मीटिंग बर्खास्त करते हैं, क्योंकि उस खुले मैदान में सिक्योरिटी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। समाधान भी आप ढूंढो। मेरा कल मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हुई
तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। हर एक की तलाशी लो, चाहे वो कोई भी हो, अंडरस्टैंड? ओके सर। डोंट स्पेयर एनीबॉडी एट ऑल। क्या है सर? नेताजी के सिक्योरिटी गार्ड आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कहो हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करें। सर। यस पटेल। नेताजी के घर से लेकर यहां तक के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। जनता कम, पुलिस ज्यादा नजर आ रही सर। गुड, वेरी गुड। सुनो। यस सर। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और नेताजी को भी खबर कर दो कि वो अब बेखौफ अपनी मीटिंग में आ सकते हैं। ओके सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी में देवा तो क्या उसका साया तक भी नहीं पहुंच सकता।